भोजपुरी स्टार्स काजल राघवानी, आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। भोजपुरी सिनेमा के इन तीनों सितारों की फैन फॉलोइंग का अंदाजा लगा पाना आसान नहीं है। जब ये तीनों स्टार्स एक साथ एक फिल्म में दिखे तो इन तीनों के फैन बेस से खूब वाहवाही बटोरी। उनके फैंस को फिल्म पटना से पाकिस्तान बेहद पसंद आई, तो हम आपको बताते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी गॉसिप्स जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। पटना से पाकिस्तान एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक आतंकवादी हमले में अपने पूरे परिवार को खो देता है। वह अपराधी को खोजने के लिए सरकार से गुहार लगाता है, लेकिन जब सरकार उसकी मदद करने से इनकार कर देती है और वह मामले को अपने हाथ में ले लेता है, वह पटना से पाकिस्तान चला जाता है और आतंकी संगठन से लड़ता है। पटना से पाकिस्तान में निरहुआ, आम्रपाली दुबे और मनोज टाइगर ने मेन लीड निभाई थी। फिल्म में टाइगर ने एक मंत्री की भूमिका निभाई थी। पटना से पाकिस्तान संतोष मिश्रा द्वारा निर्देशित और अंजय रघुराज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म मार्च 2015 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसने भोजपुरी सिनेमा में एक नया चलन स्टैब्लिश किया, जिसके बाद बहुत सारे फिल्म निर्माता इसी तरह के विषयों पर फिल्म्स लेकर आए। दिनेश लाल यादव निरहुआ, पटना से पाकिस्तान 2 के पहले पार्ट में भी नजर आ चुके हैं। इस फिल्म में उन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया था। सूत्रों की माने तो पटना से पाकिस्तान निरहुआ के करियर की बेहतरीन फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म से एक बार फिर निरहुआ ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। वर्ष 2015 में निरहुआ हिंदुस्तानी और पटना से पाकिस्तान ने भोजपुरी सिनेमा के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। पटना से पाकिस्तान फिल्म पहले खेसारी लाल यादव को ऑफर हुई थी, लेकिन वक्त की कमी के कारण वो इस फिल्म को नहीं कर पाए थे। निरहुआ जी ने आम्रपाली जी के साथ पटना से पाकिस्तान में काम करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन बताया। वो रीजन ये कि जैसे ऑडियंस ने ये बताया था कि फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी में आम्रपाली जी को देखने के लिए ऑडियंस 50 बार जाती थी, तो अगर आम्रपाली जी को 50 बार के लिए और 10 बार उनके यानी निरहुआ जी के लिए फिल्म देखने आए तो टोटल ऑडियंस 60 बार ये फिल्म देखने आएंगी। ये थी फिल्म पटना से पाकिस्तान से जुड़ी कुछ अननोन बातें। दोस्तों, आप हमें अपने इस फिल्म के फेवरेट सॉन्ग और सीन के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही ये भी बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपका कोई फेवरेट सॉन्ग या फिल्म है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही स्क्रीन पर बने बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।